ठीक है। विटामिन्स क्या होते हैं? विटामिन्स क्या होते हैं? विटामिन्स बेसिकली है ना ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है और वाइटल न्यूट्रिएंट है हमारी बॉडी के लिए, जो कि गुड हेल्थ के लिए हमें चाहिए। ठीक है, विटामिन्स इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड वाइटल न्यूट्रिएंट दैट एन ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्स इन लिमिटेड अमाउंट्स फॉर गुड हेल्थ। ठीक है, जो शब्द है विटामिन, वो विटामिन से जो है डेराइव किया हुआ है सन 1912 में कैसिमिर फंक द्वारा। सन 1912 में ये शब्द दिया गया है। क्या है ये? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और वाइटल न्यूट्रिएंट है। क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है एंड वाइटल न्यूट्रिएंट। ठीक है, दूसरा एसेंशियल न्यूट्रिएंट है। कैसे हैं? एसेंशियल न्यूट्रिएंट है मतलब आवश्यक है, इन्हें ये जो है हमारी बॉडी के लिए चाहिए ही चाहिए, तो हमें जो है फूड प्रोडक्ट से इनको लेना ही पड़ेगा। इसेंशियल है, आवश्यक है हमारे लिए, मतलब ऐसा नहीं है कि इनके बिना काम चल जाए। ठीक है, अगर इनकी कमी होगी तो हमें कुछ ना कुछ जो है हेल्थ डिजीज जो है हो सकती है, कुछ ना कुछ बीमारी जो है हो सकती है, या हमारे स्वास्थ्य में जो है कुछ गड़बड़ी हो सकती है। बहुत ही कम मात्रा में चाहिए, रिक्वायर्ड इन लो अमाउंट, कोई ये नहीं कि भैया ज़्यादा मात्रा में चाहिए, रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड इन लो अमाउंट। ठीक है, और क्या रोल है इनका हमारी वृद्धि में, ग्रोथ में रोल है? ठीक है, डेवलपमेंट में, हमारे मेटाबॉलिज्म में। ठीक है, जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं हमारी बॉडी में, लगभग उनमें से कुछ में जो है इनकी ज़रूरत पड़ती है विटामिन्स की। हमारी बॉडी की ग्रोथ में जो है इनकी ज़रूरत पड़ सकती है, हमारे जो है बॉडी की डेवलपमेंट में इनकी जो है ज़रूरत पड़ सकती है, मेंटल डेवलपमेंट या बॉडी की ग्रोथ में जो है इनकी ज़रूरत पड़ सकती है। अगर हम इनके रोल की बात करें तो रोल बेसिकली क्या है? ग्रोथ, ग्रोथ में ज़रूरत पड़ सकती है इनकी, ग्रोथ के लिए जिम्मेदार, डेवलपमेंट के लिए जिम्मेदार है, या फिर जो है मेटाबॉलाइज्म, जो सेल के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनमें कुछ ना कुछ इनका रोल होता है बेसिकली। ठीक है, तो विटामिन्स के बारे में ये जो है कुछ खास बात है। अब विटामिन्स जो है बेसिकली, अगर हम इसके क्लासिफिकेशन की बात करें, विटामिन्स के क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें, तो विटामिन्स को दो ग्रुप्स में जो है वर्गीकृत किया गया है, दो ग्रुप्स में बांटा गया है। ठीक है, विटामिन्स को दो ग्रुप्स में बांटा गया है। सबसे पहले है फैट सॉल्युबल विटामिन, अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसको दो वर्गों में बांटा गया है, फैट सॉल्युबल विटामिन और सेकेंड है आपका वाटर सॉल्युबल विटामिन। Thank you.
फैट सोल्यूबल विटामिन्स और वाटर सोल्यूबल विटामिन्स। जो फैट सोल्यूबल विटामिन्स है उसमें कौन कौन से आते हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। कौन कौन से आते हैं, ए, डी, ई, के, हेडेक, ऐसे बोल सकते हो या कीड़ा बोल सकते हो याद रखने के लिए, कीड़ा या एडेक, ठीक है। और जो वाटर सोल्यूबल विटामिन्स है डस्टर एक ही है मेरे पास, है नहीं अब पता नहीं। तो जो वाटर सोल्युबल विटामिन्स हैं अगर हम उनकी बात करें तो उसमें कौन कौन से आते हैं, बी और सी, डी एंड सी, बी कॉम्प्लेक्स एंड सी, बी कॉम्प्लेक्स एंड सी कॉम्प्लेक्स, बी कॉम्प्लेक्स का मतलब है इसमें बी की कई सारी जो है फॉर्म्स हो सकती है विटामिन बी की, बी वन, बी टू, बी थ्री, बी फाइव, है ना, बी सेवन भी है शायद, बी नाइन, ठीक है, बी ट्वेल्व, तो इसकी कई सारी फॉर्म्स हो सकती है, इसलिए इसको बी कॉम्प्लेक्स लिखो। अब ये जो क्लासिफिकेशन है ये सॉल्युबिलिटी के आधार पर किया गया है, सॉल्युबिलिटी मतलब घुलने के आधार पर, जो पानी में घुल जाते हैं वो बी और सी, और जो फैट में घुल, फैट सॉल्युबल है ना, वसा में घुल जाते हैं वो कौन से हैं, ए, डी, ई, के। दूसरी बात यह है कि ये जो फैट सॉल्युबल विटामिन है इनको बॉडी में कुछ समय के लिए स्टोर किया जा सकता है, कुछ समय के लिए स्टोर किया जा सकता है, जबकि जो ये वाटर सॉल्युबल विटामिन हैं इनमें क्या दिक्कत है कि ये पानी के साथ घुल जाते हैं तो ईजिली बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर दिए जाते हैं, तो इनको बार बार, तो इनको जो है बार बार लेने की जरूरत पड़ती है, मतलब डेली पर डेली नीड्स है इनकी, डेली नीड्स इनकी पड़ेगी, जो शरीर में जल्दी नहीं निकल पाता या शरीर से तुरंत ही बाहर निकल जाता है। बी और सी मतलब बी और सी जो विटामिन है बेसिकली वो आपको डेली नीड्स पर चाहिए ही चाहिए, है ना, क्योंकि ये पानी के साथ घुल करके शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं, ठीक है। जबकि जो फैट सोल्यूबल विटामिन हैं उनको कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए जो है शरीर के अंदर रोका जा सकता है या लीवर के अंदर उनको डिपॉजिट करके रखा जा सकता है, ठीक है। इसमें जो विटामिन बी है इसमें जो जैसे बी ट्वेल्व है तो उसको उसकी कुछ हद तक जो है उसको रोका जा सकता है, बाकी जो सारे विटामिन हैं बी और सी में जितने भी हैं, ठीक है, उनको वो जो है पानी के साथ घुलित अवस्था में एक्सक्रीट आउट कर दिए जाते हैं, क्या कर दिए जाते हैं, शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। समझ में आ गया, समझ में आ गया, कुमकुम समझ में आया, कहाँ सपने में खो गए तुम, ठीक है। तो आज हम जो है अब हम बात करेंगे सबसे पहले फर्स्ट विटामिन, विटामिन ए की, ठीक है, हम बात करेंगे विटामिन ए की। विटामिन ए जो कि बेसिकली रेटिनॉइड और कैरेटिनॉइड्स फॉर्म में होता है, ठीक है, रेटिनॉइड और कैरेटिनॉइड्स फॉर्म में होता है, किस फॉर्म में होता है, रेटिनॉइड एंड कैरेटिनॉइड्स, कैरोटीनॉइड्स, इन दोनों फॉर्म में हो सकता है, देखने को मिलेगा जो मतलब फूड प्रोडक्ट्स है उनके अंदर इस फॉर्म में देखने को मिलेगा। इसकी खास बात यह है कि यह फैट सोल्यूबल है, ठीक है, और अगर इसकी हाई डोज ले लें हम, क्योंकि बॉडी में स्टोर हो सकता है, अगर आप इसकी हाई डोज लेंगे, एक्स्ट्रा अमाउंट लेंगे, जैसे सप्लीमेंट में ले सकते हैं, सप्लीमेंट में कैप्सूल्स आते हैं बेसिकली, है ना, दवाइयों के रूप में, ड्रग्स के रूप में, है ना, तो अगर आप इसकी हाई डोज लेंगे तो वो आपके लिए जहरीली भी हो सकती है, टॉक्सिक हो सकती है, इसको लीवर के अंदर स्टोर किया जा सकता है,
ठीक है। और ये बेसिकली तीन फॉर्म्स में देखने को मिलता है आपको, ठीक है। किसके अंदर देखने को मिलता है? तीन फॉर्म्स में बेसिकली देखने को मिलता है। कौन कौन सी? पहले, सबसे पहले मैंने क्या बात कही, टॉक्सिक इन हाई डोज, ज़्यादा मात्रा में लेने पर टॉक्सिक हो सकता है, टॉक्सिक इन हाई डोज। और फैट सोल्यूबल है, ये तो पता ही है फैट सोल्यूबल है। दूसरा, इसको लीवर में स्टोर किया जा सकता है, स्टोर इन लीवर, स्टोर इन लीवर, ठीक है, लीवर के अंदर इसको स्टोर किया जा सकता है। और इसकी जो है तीन फॉर्म्स देखी जा सकती है बेसिकली, अकर इन थ्री फॉर्म्स। बेसिकली कौन कौन सी है? अकर इन थ्री फॉर्म्स, अकर इन थ्री फॉर्म्स, कौन कौन सी? रेटिनोल है, रेटिनोल है, रेटिनल है, रेटिनोल है, सेकेंड रेटिनोल, ये रेटिनल थी ना, ये रेटिनोल होगी, ठीक है। और थर्ड है रेटिनोइक एसिड, ठीक है। वैसे तो विटामिन कल मैंने पढ़ा भी दिए थे, थोड़ा बहुत तो पढ़ाया था ना कल, तो आज बस उसी को डिटेलिंग कर रहे हैं हम कल की क्लास को ही। तो ये जो है तीन फॉर्म्स जो है देखी जा सकती हैं बेसिकली। ये जो रेटिनॉल है, जो फर्स्ट, ये सेकंड वाली रेटिनॉल है, ये बेसिकली लीवर में स्टोर की जा सकती है, स्टोर्ड इन लीवर, स्टोर्ड इन लीवर। इसको जो है, ये जो फॉर्म्स है रेटिनॉल, इसको कहाँ में स्टोर किया जा सकता है? लीवर के अंदर इसको स्टोर किया जा सकता है, ठीक है। कौन है दूसरा? ये जो फॉर्म है रेटिनल, इसका विजन में बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। इट प्लेज अ रोल इन विजन। जो रेटिनल जो फॉर्म है, ये रोल प्ले करती है, रोल प्ले, प्ले अ रोल इन विजन, विजन देखने में बहुत ज़्यादा सहायक है ये, ठीक है। विजन में जो है ज़रूरत पड़ती है इसकी, देखने में, ब्राइट लाइट में जो है इसकी ज़रूरत पड़ती है बेसिकली। और ये जो रेटिनोइक एसिड है, ये सेल डिफरेंशिएशन में काम करता है, जीन लेवल पर। किस पे काम करता है ये रेटिनोइक एसिड? ये रेटिनोइक एसिड काम करता है सेल डिफरेंशिएशन, सेल डिफरेंशिएशन, जीन लेवल। इतना समझ में आया? बेसिकली विटामिन ए, इट अकर्स इन थ्री फॉर्म्स, ठीक है, और विच इज रेटिनॉल, रेटिनल, रेटिनॉल एंड रेटिनोइक एसिड। द फर्स्ट वन इज रेटिनल, इट प्लेज अ रोल इन विजन। जो रेटिनल रूप है इसका, वो हमें देखने में सहायक है, मतलब उसकी वजह, अगर वो होगा तो उस वजह से हम देख पाते हैं। अगर ये कम हो जाए तो हमें जो है दिखना कम हो जाएगा, ठीक है, दिखना जो है कम हो जाएगा। समझ में आया नेहा? किसकी वजह से दिखना कम हो जाएगा? है रेटिनल की वजह से, ठीक है। और रेटिनॉल बेसिकली इसको स्टोर किया जा सकता है लीवर में, ठीक है। और रेटिनॉल एसिड ये किस में काम करता है? कोशिका के विभेदन में, सेल डिफरेंशिएशन में। किस में काम करता है? सेल डिफरेंशिएशन में, जीन लेवल पर काम करता है ये। कहाँ पर काम करता है? जीन लेवल पर, ठीक है। अब एक बात मैं आपको बता दूं, ये जो रेटिनॉल और ये जो रेटिनल है, ये इंटरकन्वर्टिबल है। मतलब अगर आपको रेटिनॉल मिल जाए, रेटिनॉल मिल जाए तो उससे रेटिनल भी बन सकता है, ठीक है। और अगर आपको रेटिनल मिल जाए तो उससे रेटिनॉल भी बन सकता है, ठीक है। इंटरकन्वर्टिबल है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि अगर आपके पास केवल रेटिनोइक एसिड हो तो उससे आप जो है ये दो चीजें नहीं बना सकते, ठीक है। ये दोनों तो इंटरकन्वर्टिबल है, पर ये जो है इनको नहीं बना सकता, ठीक है। अगर ये बना सकते हैं, अगर रेटिनल आपके पास होगा तो ये जो है रेटिनोइक एसिड भी बना सकता है, ये जो है इसको भी बना सकता है। लेकिन रेटिनोइक एसिड अगर आपके पास है तो ये जो है इन दोनों में से कुछ भी नहीं बना सकता, ठीक है।
इसको हम जो है चाहे तो इस तरह से लिख सकते हैं रेटिनोल, इसको इस तरह से लिख सकते हैं रेटिनोल, रेटिना, रेटिनोइक एसिड। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, समझ में आ गया ना? रेटिनोल से रेटिनल बन सकता है, रेटिनल से रेटिनोल भी बन सकता है, रेटिनल से रेटिनोइक एसिड भी बन सकता है। बट इफ यू हैव रेटिनोइक एसिड ओनली, तब आप जो है ना तो रेटिनल बना सकते, क्योंकि रिएक्शन इस डायरेक्शन में और यहाँ पर रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में, इस तरफ भी जा सकता है, इस तरफ भी जा सकता है। समझ में आ गया? इतना क्लियर है? ठीक है, दूसरी खास बात यह है कि इसके पास एक बीटा आयनॉन रिंग होती है, बस इतना ध्यान रखो, बीटा आयनॉन रिंग होती है। किसके पास? विटामिन ए के पास। कौन सी रिंग होती है? बीएससी। उज्ज्वल की फाइल। तो चलो ये तो छोड़ो, बस इतना ध्यान रखो कि इसके पास बीटा आयनॉन रिंग होती है तीनों फॉर्म्स पे, तीनों फॉर्म्स में जो है क्या होती है इसके, बीटा आयनॉन रिंग होती है। वो काम की बात नहीं है, बस मैंने बताना था। ठीक है, अब इतना समझ में आ गया? तो ये जो रेटिनल फॉर्म है ये बेसिकली किस में काम कर रही थी? विजन में काम कर रही थी। किस में काम कर रही थी? विजन में काम कर रही थी। और ये बेसिकली ब्राइट लाइट में काम करती है, कलर विजन में काम करती है। जैसे रात में जो है हमारी हमारी आंखों में जो है, आंखों के अंदर दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, एक होती है रोड्स, एक का नाम है रोड्स, एक का नाम है कॉन्स। ठीक है, जो रोड्स होती हैं बेसिकली वो रात में काम करती हैं, और जो कॉन्स होती हैं वो बेसिकली वो दिन में काम करती हैं, आप ऐसा कह सकते हैं। या जो कॉन्स हैं वो हमेशा ब्राइट लाइट में काम करेगी। ठीक है, मतलब जैसे बल्ब जला दो, मतलब जब भी आपको कलर पहचानने हो, जैसे मैं भी फ़र्क समझ में आ रहा है कि ये ब्लू है और ये इसने जो है पिंक पहना है, ठीक है, ये ब्लैक है, तो ये जो कलर डिफरेंशिएशन है ये किसकी वजह से हो रहा है? ये हो रहा है किसकी वजह से? कॉन्स की वजह से। और कॉन्स का ये जो कलर डिफरेंशिएशन है ये कौन करवा रहा है? ये रेटिनॉन, कौन सा? ये रेटिनल, सॉरी। ठीक है, ये कौन करवा रहा है? रेटिनल। समझ में आ गया इतना? तो कलर को पहचानने की जो क्षमता है वो कॉन्स कोशिकाओं के पास है, लेकिन कॉन्स कोशिकाएं सेल जो कलर डिफरेंशिएशन है वो कब करेंगी? जब उनके पास रेटिनल होगा। ठीक है, तो बस इतना जान लो, इसकी मैकेनिज्म में हम जाएंगे भी नहीं वैसे भी, क्या करता है ये। ठीक है, थोड़ी सी बात रेटिनोइक एसिड की कर लेते हैं, क्योंकि ये जो रेटिनोल है ये तो लीवर में स्टोर हो सकता है, इसको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बात करते हैं रेटिनोइक एसिड की। ये नॉन स्टोरेज फॉर्म है ये विटामिन ए की, सबसे पहली बात तो ये है। क्या है ये? नॉन स्टोरेज फॉर्म है, नॉन स्टोरेज फॉर्म। ठीक है, नॉन स्टोरेज फॉर्म का मतलब क्या है? इसको स्टोर नहीं किया जा सकता, इसको स्टोर नहीं किया जा सकता। ठीक है, और ये मॉर्फोजन का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? ये मॉर्फोजन का कार्य करता है। ठीक है, दूसरा काम क्या है? मॉर्फोजन का कार्य भी कर सकता है, मतलब आप इसको इंजेक्ट कराओ किसी हिस्से पे, वहां से जो है हाथ या पैर निकल आएंगे। ठीक है, समझ में आया? जहाँ पर इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है बेसिकली, ठीक है, तो वहाँ से जो है हाथ पैर उगते हैं। साइंटिस्ट जो है लैब में ऐसा एक्सपेरिमेंट करते हैं, जैसे मतलब कोई मेंढक है, उसके चार हाथ पैर है, रेटिनोइक एसिड उसके यहाँ इंजेक्ट किया, वहाँ से जो है उसके हाथ या पैर जो है उगाते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली सेल डिफरेंशिएशन में जीन लेवल पर जा कर के काम करता है, बस इतना सुन लो। ठीक है, मॉर्फोजन का कार्य है इसका। ठीक है, ये बेसिकली एंटीरियर पोस्टीरियर जो है जो भ्रूण अवस्था होती है उसमें डिटरमाइन करता है, उसको निर्धारित करता है किसका सिर किस तरफ होगा, इसका एंटीरियर पोस्टीरियर मतलब सिर किस तरफ होगा, पैर किस तरफ होगा इसके। ठीक है,
ठीक है। बेसिकली ये होक्स जीन को जाकर के प्रभावित करता है, ठीक है, और इसकी वजह से डेवलपमेंटल डिफेक्ट भी आ सकते हैं। अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी जो है विटामिन ई की कंसंट्रेशन को सप्लीमेंट के तौर पे ज़्यादा ले रही है, उसमें रेटिनोइक एसिड की जो कंटेंट है वो ज़्यादा है, तो उसमें जो है होने वाले बच्चे पर जो है डेवलपमेंटल डिफेक्ट आ सकते हैं, ठीक है, उसके हाथ पैर जो है ज़्यादा या कम हो सकते हैं, जैसे आप लोगों ने देखा भी होगा कुछ लोगों का, है ना, कि इस डेवलपमेंटल डिफेक्ट का होता है, देखा है कभी किसी के दो तीन हाथ या ऐसा कुछ चार पैर ऐसा कुछ देखा है कभी किसी का, उंगलियां देखी हैं? अच्छा चलो ठीक है, जो भी है, अगर रेटिनोइक एसिड की कमी हो तो जो बोन की जो ग्रोथ है वो स्लो हो जाती है, ठीक है, अगर इसकी कमी हो तो बोन्स की जो ग्रोथ है वो कम हो जाती है, स्लो ग्रोथ ऑफ बोन्स, ठीक है। तो ये हो गया हमारा खत्म विटामिन ए, इतना ही पढ़ना है इसके बारे में, ठीक है। इसकी वजह से नाइट ब्लाइंडनेस बीमारी हो सकती है। हाँ एक और चीज़ है, और भी काम है इसका, रिप्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा रोल है इसका विटामिन ए का, ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस को ये प्रमोट करता है। अगर ये इसकी कमी होगी तो जो मेल या फीमेल है वो इनफर्टाइल भी हो सकती है, ठीक है, क्या हो सकती है, इनफर्टाइल भी हो सकते हैं। दूसरा बच्चे को बनाए रखने में भी ये सहायक है। और जो है इसका रोल इम्यूनिटी में भी है, कैंसर में भी है, मतलब प्रतिरक्षा, हमारे शरीर की रक्षा करने में इसका रोल है, कैंसर से बचाव करने में इसका हमारा रोल है काफ़ी, ठीक है, क्योंकि ये किस में काम कर रहा है, सेल डिफरेंशिएशन में काम कर रहा है, ठीक है। बीमारी क्या हो सकती है इससे, नाइट ब्लाइंडनेस, नाम लिख लो इसका, कौन सी बीमारी हो सकती है अगर कमी हो, नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, रात को कम दिखेगा, फिर रात को भी कम दिखेगा, दिन में भी कम दिखेगा, ठीक है। नेक्स्ट है विटामिन डी, समझ में आ गया विटामिन ए के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं विटामिन डी, उसका क्या नाम है तुम्हारा, नेक्स्ट हम बात करते हैं विटामिन डी, विटामिन डी कैसा विटामिन है, फैट सोल्यूबल है या वाटर सोल्यूबल है, फैट सोल्यूबल है, ठीक है, कैसा विटामिन है, फैट सोल्यूबल है। और इसकी जो है बेसिकली दो फॉर्म्स जो है देखने को मिलती हैं, ठीक है, अर्गो कैल्सिफेरॉल और कॉल कैल्सिफेरॉल, दो फॉर्म जो है देखने को मिलती है दो रूप में, अर्गो कैल्सिफेरॉल और कॉल कैल्सिफेरॉल, ठीक है, ये बेसिकली प्लांट्स के अंदर देखने को मिलती है और ये बेसिकली एनिमल्स के अंदर देखने को मिलती है, ठीक है। दूसरा इसको जो है हम हमारी स्किन सेल्स भी बना सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, विटामिन डी को प्रोड्यूस किया जा सकता है इन स्किन सेल्स, प्रोड्यूस इन स्किन सेल्स, प्रोड्यूस बाय स्किन सेल्स इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यू वी
इसके। यूवी है जो पराबैंगनी किरणें होती हैं उनकी तीन उनको इंटेंसिटी के आधार पर बांटा गया है, यूवीए, यूवीबी, यूवीसी। जो यूवीसी होती है वो ज़्यादा खतरनाक होती है, मतलब वो कैंसर भी कर सकती है। जैसे बताया था कल की क्लास में हुआ था कि जो जैसे दोपहर में जो है सूर्य की जो किरणें होती हैं वो ज़्यादा इंटेंसिटी वाली होती हैं, तो मतलब कहते हैं ना कि मतलब बाहर नहीं निकलना चाहिए दोपहर में, उसकी वजह से जो है क्या होता है यूवी लाइट जो है आपको कैंसर भी, स्किन कैंसर भी कर सकती है, क्योंकि उनका इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा होती है कि वो अंदर जाकर के हमारे डीएनए तक को डैमेज कर सकती है। ठीक है, तो उस आधार पर इसको जो है बांटा गया है इंटेंसिटी के आधार पर, यूवीए, यूवीबी, यूवीसी। तो बेसिकली जो सुबह और शाम की लाइट है, सनलाइट है, ठीक है, वो हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकती है। बिकॉज एक तो सूर्य जो है पृथ्वी से काफ़ी दूरी पर होता है उस टाइम, ठीक है, और दूसरा ये है कि धीमी लाइट होती है वो, है ना, तब निकल ही रहा होता, तब पृथ्वी के पास कम होता है वो। समझ में आ गया गगनदीप? ठीक है, तो बेसिकली सनलाइट की प्रेजेंस में हमारी स्किन इसको प्रोड्यूस कर सकती है। दूसरा ये जो है कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में रोल प्ले करता है और उसके होमोस्टेसिस में भी रोल प्ले करता है बेसिकली। ठीक है, किसमें रोल प्ले करता है? कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में। होमोस्टेसिस में भी ये रोल प्ले करता है, ब्लड लेवल ऑफ कैल्शियम। होमोस्टेसिस का मतलब क्या है? ब्लड लेवल ऑफ कैल्शियम। ठीक है, ब्लड लेवल ऑफ कैल्शियम। अब देखो स्किन के अंदर हमने जैसे बताया कि विटामिन डी को बनाया जा सकता है, यानी इसकी कॉल कैल्शियम कौन सी फॉर्म बताई थी मैंने, कॉल कैल्शियम, है ना, तो उस फॉर्म को जो है बेसिकली बनाया जा सकता है स्किन के अंदर। इसके बाद इसको लीवर में जो है जाकर के इसको ट्रांसफॉर्म किया जाता है, लीवर में जाकर के इसको जो है किस में बदल दिया जाता है, कैल्शिटायोल में। ठीक है, किस में बदल दिया जाता है, कैल्शिटायोल में। कैल्शिटायोल बेसिकली ये इसकी जो है एक तरह की कैसी फॉर्म होती है, एक तरह की एक्टिव फॉर्म होती है बेसिकली। ठीक है, और इसको फिर जाकर के हम किस में ले जाते हैं, किडनी में, और किडनी में इसको जाकर के किस में बदल दिया जाता है, कैल्शिट्रायोल में। ठीक है, इसको देखते हैं एक बार। देखिए सबसे पहले लीवर के अंदर, स्किन के अंदर हमने क्या बनाया, स्किन के अंदर कॉल कैल्शियम फेरोल बनाया। पहले ये देख लो कि ये बनता कैसे है। हमारी स्किन में बेसिकली एक कंपाउंड होता है जिसको बोलते हैं 7-dehydrocholesterol। जब उस पर लाइट पड़ती है तो थर्मल उसकी वजह से, थर्मल एनर्जी की वजह से वो जो है कन्वर्ट हो जाता है इसमें कॉल कैल्शिफेरॉल में। ठीक है, किसमें कन्वर्ट हो जाता है, कॉल कैल्शिफेरॉल में। कौन है? 7-dehydrocholesterol। जब इस पर सनलाइट पड़ती है, सनलाइट बेसिकली फाइनली इसमें बदल जाता है कॉल कैल्शिफेरॉल में, स्किन के अंदर इसको कैल्शियोल भी बोलते हैं।
क्या बोलते हैं इसको, कैल्शियोल भी बोलते हैं इसको, कैल्सी ऑल कॉल कैल्सी फेरॉल को हम क्या बोल सकते हैं, कैल्सी ऑल भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो प्रीकर्सर है वो कौन है, इसका प्रीकर्सर कौन है, 7-dihydrocholesterol। ठीक है, इसका प्रीकर्सर कौन है, 7-dihydrocholesterol। ये हमारी स्किन में प्रेजेंट होता है, जब इस पर स्किन पर लाइट पड़ती है तो ये जो है लाइट थर्मल आइसोमराइजेशन के जरिए जो है ये निकल जाता है, कैल्सी ऑल कैल्सी फेरॉल में निकल जाता है, कॉल कैल्सी फेरॉल या इसको कैल्सी ऑल भी कहा जाता है। ठीक है, किसमें बदल जाता है, कॉल कैल्सी फेरॉल या कैल्सी ऑल में। इसके बाद इस कैल्सियोल को लीवर के पास जो है लीवर के अंदर जाकर के इसको बदल दिया जाता है कैल्सी डाइओल में। अब ये लीवर जो है क्या करेगा, लीवर इसको कैल्सियोल को बदल देगा कैल्सी डाइओल में, किसमें बदल दिया, कैल्सी डाइओल में। और इस कैल्सी डाइओल को फिर जो है किडनी के अंदर ले जाकर के किसमें बदल दिया जाएगा, ट्रायोल में। किडनी के अंदर जब ले जाएगा तो ये बदल दिया जाएगा किसमें, कैल्सी ट्रायोल में। अब समझ में आया, सबसे पहले स्किन के अंदर प्रेजेंट था 7-dihydrocholesterol, जब सनलाइट गिरी सुबह सुबह की, या सनलाइट वैसे तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि सूर्य जब निकलता है और सूर्य छिपने तक ये जो है विटामिन डी हमें मिल सकता है, लेकिन बस दोपहर में थोड़ी इंटेंसिटी जो है ज़्यादा होती है, सर्दियों में तो कमी रहेगी, जैसे हम बात कर रहे हैं गर्मियों की बात कर रहे हैं, है ना। तो उसमें जब सनलाइट पड़ेगी तो वो किसमें बदलेगा, कॉल कैल्सी फेरॉल या कैल्सी ऑल भी कह सकते हैं उसको, फिर लीवर के अंदर उसको बदला जाता है कैल्सी डाइओल में, फिर किडनी के अंदर उसको बदला जाता है कैल्सी ट्रायोल में। समझ में आ गया, तो इस तरह से इसका जो है मेटाबोलाइज बेसिकली होता है। अब अगर फंक्शन की बात करें इसके, फंक्शन की बात करें तो बेसिकली ये कैल्शियम के अपटेक में मदद करता है। ठीक है, किसमें मदद करता है, कैल्शियम के अपटेक में जो है बेसिकली ये मदद करता है बाय द इंटेस्टाइन। ठीक है, विटामिन डी अगर होगा तो ये क्या करेगा, कैल्शियम के अपटेक को बढ़ा देगा। जो भी हम कैल्शियम खाते हैं उसका खाने का तभी फायदा है जब हमारे पास विटामिन डी हो। मतलब आप भले ही कितना सप्लीमेंट ले ले विटामिन, उसका कैल्शियम के जैसे जबकि घुटने जो है ख़राब हो जाते हैं तो वो कैल्शियम खाते हैं, या हड्डियां जो है कमज़ोर होती है तो वो कैल्शियम खाते हैं, बेसिकली बोन के डेवलपमेंट के लिए कैल्शियम खाया जाता है, है ना। तो वो कैल्शियम खाने का फ़ायदा तभी है जब आपके पास विटामिन डी हो, क्योंकि वो आँखों से गुजर के आपकी आँखों से गुजर के ब्लड के अंदर तभी आएगा जब विटामिन डी आपके पास हो, क्योंकि विटामिन डी क्या करता है, कैल्शियम को बाइंड करने वाली प्रोटीन्स का निर्माण करता है, उसमें निर्माण में सहायक है, जिस वजह से कैल्शियम को बाइंड करने वाली प्रोटीन बनती है, तब जा करके कैल्शियम कहीं आँख से निकल करके हमारे ब्लड के अंदर लाया जाता है। समझ में आ गया, तो विटामिन डी नहीं है तो कैल्शियम लेने का भी कोई फ़ायदा नहीं है बेसिकली, अगर हम सीधी सीधी बात करें तो। ठीक है, समझ में आ गया, तो इंक्रीजिंग अपटेक ऑफ कैल्शियम बाय द इंटेस्टाइन, आप लिख सकते हैं क्या करता है, इंक्रीज करता है, इंक्रीज अपटेक ऑफ कैल्शियम। ठीक है, अपटेक ऑफ कैल्शियम क्या करता है, ये कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन की संख्या को बढ़ा देता है। क्या करता है, कैल्शियम को बांधने वाली जो प्रोटीन होती है, कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन, उसकी संख्या को बढ़ा देता है। मतलब ऐसी गाड़ियों की संख्या बढ़ा देगा जो कैल्शियम को उठा करके ले जाएगी, है ना।
दूसरा कैल्शियम के लॉस को मिनिमाइज करता है बाय द किडनी, मिनिमाइजिंग द लॉस ऑफ कैल्शियम बाय द किडनी, ठीक है। किडनी से ज़्यादा कैल्शियम बाहर ना निकले वहाँ पर भी उसके लॉस को मिनिमाइज करता है, मिनिमाइजिंग लॉस ऑफ कैल्शियम बाय किडनी, मिनिमाइजिंग लॉस ऑफ कैल्शियम बाय किडनी, मिनिमाइजिंग लॉस ऑफ कैल्शियम बाय किडनी, ठीक है। इसके अंदर एंटी कैंसर प्रॉपर्टी भी है, ये भी लिख सकते हो आप, एंटी कैंसर प्रॉपर्टी भी ये रखता है, ठीक है। और बस यही लिख लो, एंटी कैंसर प्रॉपर्टी ये जो है उस है इसके पास। तो ये अगर होगा विटामिन डी तो बेसिकली हमें कैंसर से भी बचाव रहेगा। ठीक है, हमें जो है कैंसर से भी बचाव रहेगा। सुन में क्या इसके बारे में इतना बहुत है बस। क्या दो क्या डोर खोल दूं? तुम ही तो कह रहे हो बंद कर दो। आधी दीदी आती प्लीज लव, ठीक है। सफोकेशन नहीं होगी, वैसे सफोकेशन होने का क्या मतलब है? तो वैसे इसका नाम भी लिख सकते हो कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन का कैल बाइंडिंग, से वैसे कैल बाइंडिंग। ये ऐसी गाड़ी है, ये वो कार है जो कैल्शियम को बैठा करके ले जाती है। अब अगर ये कार कम है तो कैल्शियम नहीं जाएगा, कैल्शियम को ये वाली कार चाहिए। कौन सी वाली? कैल बाइंडिंग। अब कार बनाने की जो जिम्मेदारी है वो मतलब उसमें जो कार बनाने में जो सहायक है वो विटामिन डी है। अब विटामिन डी की कमी है तो कार नहीं बनेगी, ये वाली कैल बाइंडिंग। अब कार नहीं है तो कैल्शियम जाएगा नहीं, ठीक है। तो इसकी वजह से रिकेट्स रोग हो सकता है, रिकेट्स। विटामिन डी की वजह से कौन सा रोग हो सकता है? रिकेट्स, रिकेट्स। ये वाला बंद कर दो, ये वाला बोल दो, ये तो वाला। अब ठीक है, ठीक है। रिकेट्स जो है रोग हो सकता है जिसमें जो बच्चे की बोन है वो कमजोर हो सकती है, ठीक है। या ऑस्टियोमलेशिया है एक बीमारी, ऑस्टियोमलेशिया। ये तो बच्चों में नहीं जा सकती, चिल्ड्रंस चाइल्ड बच्चों में देखी जा सकती है ऑस्टियोमलेशिया। ये बड़ों में देखी जा सकती है, जो बंदे हमेशा घर में पड़े रहते हैं, धूप उन्हें देखनी नहीं है, ठीक है, पसीना आ जाएगा नहीं तो। तो उनमें विटामिन डी की कमी होगी, उस वजह से कैल्शियम का अपटेक कम होगा, कैल्शियम का अपटेक कम होगा तो बोन्स उनकी कैसी हो जाएगी? वीक, फ्रेजाइल हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी बहुत ज़्यादा, ठीक है। क्योंकि जो बोन्स का कैल्शियम है वो ब्लड में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं विटामिन ई की। कहाँ हुआ लोअर? अब मेरा ही लेक्चर है। दो विटामिन पढ़े तुमने, अभी तो बहुत सारे हैं। अब फिर तुम्हारा कोर्स कैसे होगा भाई? मेरी जिम्मेदारी नहीं, मैं तो कहता हूँ मैंने तो कॉलर करा दिया तुमने, हैं? पढ़ा लूँ ना? चलो ठीक है, विटामिन ई की बात करते हैं। कैसा विटामिन है ई? फैट सोल्युबल विटामिन। विटामिन ई एक फैट सोल्युबल विटामिन है, फैट सोल्युबल विटामिन है विटामिन ई।
और ये एक्सीडेंट सॉरी एंटीऑक्सीडेंट का कार्य भी कर सकता है, एक्ट लाइक एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट्स का कार्य भी ये कर सकता है। एंटीऑक्सीडेंट्स मतलब कि जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बनती है हमारी हमारी सेल्स के अंदर, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज ऐसी जो है मतलब हो सकता है कंपाउंड होता है जो बेसिकली हमारी कोशिकाओं को डैमेज पहुंचाता है, अब उनको निपटाने के लिए ये एंटीऑक्सीडेंट का कार्य करता है। ठीक है, इसमें जो है विटामिन सी भी ऐसा ही काम है, विटामिन सी का भी जो है क्या काम है, एंटीऑक्सीडेंट का ही काम है।